बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक समेत अन्य बीजेपी नेताओं ने कहा कि भूपेश सरकार की मंशा केंद्रीय योजनाओं को सफल क्रियान्वयन की नहीं है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा कर पा रही है और ना ही जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन ठीक से हो पा रहा है। वहीं विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक रंजना दीपेन साहू ने राज्य में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से संबंधित प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि 38,74,999 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 6,25,704 कनेक्शन ही दिए जा सके हैं। वहीं राज्य के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं में राज्य सरकार का हिस्सा नहीं दे रही है, जिससे केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ के एक एक घर में पानी पहुंचा सके, गरीबों के घर में भी टेप नल की व्यवस्था हो और शुद्ध पेयजल मिल सके, ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। इसके लिए उन्होंने नया मंत्रालय बनाया, बजट की राशि दी गई, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार आज जो स्थिति में है, केंद्र के हमारे मंत्री ने समीक्षा की है तो छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से JJM लॉन्च हुआ है, निरंतर हमारी सरकार योजनाओं पर अमल करते हुए नियम के हिसाब से योजनाओं को संचालित किया जा रहा है और आज के तारीख में 25%